हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं चावल की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी कचौड़ियाँ बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच से तेल और 1/2 चम्मच डाल दिया है साबुत जीरा। जीरा को हल्का सा हमने पक जाने देना है। तो जीरा यहाँ पे पक गया है। मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज यहाँ पे डाल दिया है। प्याज को हमने हल्का सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा प्याज का कलर नहीं चेंज करेंगे, हल्का सा इसको ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। तो अभी प्याज हमारा यहाँ पक गया है। तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिए हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये भी भुन गया है। तो अब मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर यहाँ पे डाल दिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच ही डाला है लाल मिर्च। नमक डाल देंगे हम इसमें स्वाद अनुसार, और इसको मिक्स कर लेंगे। हल्के से पानी का छींटा इसमें मार देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं, और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। तो यहाँ पे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 लिए हैं उबले हुए आलू, और इसको हम इस तरह से तोड़ के डाल देंगे और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आलू देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसको भी चलाते हुए हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, बढ़िया से इसको भून लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच से डाला है चाट मसाला और 1/2 चम्मच गरम मसाला, और इसको बढ़िया से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पे हरा धनिया, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद बस 2-3 मिनट के लिए ही हम इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे, और उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे गैस का फ्लेम और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने वही कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी, और यहाँ मैंने 1 चम्मच से लिए सफ़ेद तिल और 1/2 छोटी चम्मच से लिया है राई के दाने। इसको हल्का सा हम पका लेंगे, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून से बेसन, और बेसन को हमने अच्छे से भून लेना है एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे, बढ़िया सी खुशबू इसमें से आ जाए तब तक इसको हमने भून लेना है। बहुत ही जल्दी बेसन भून जाता है। देखिए यहाँ पे बेसन हमारा भून गया है, और 1 कप मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे पहले। और अभी यहाँ पे 1 कप पानी मैंने और डाला है इसमें, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद अच्छा सा इसमें उबाल आने देना है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा डाल दिया है करी पत्ता, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और बस थोड़ा सा 1/4 छोटी चम्मच से मैंने हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया है। और यहाँ मैंने 1.5 कप लिया है चावल का आटा, और इसमें भी देखिए अच्छा सा उबाल इसमें आने लगा है, लेकिन इसको अभी हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे, क्योंकि बेसन को अच्छे से पका लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, और अब यहाँ पे चावल वाला आटा भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको लगातार चलाते रहेंगे, एक साथ इसको कर लेंगे, और गैस का फ्लेम एकदम लो टू मीडियम पे रहेगा। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये चावल का आटा जो है बढ़िया से पक गया है, और एकदम ये सॉफ्ट हो गया है। अगर इसको मिक्स करते टाइम अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा इसमें आप गर्म पानी डाल सकते हैं, लेकिन इसको एकदम सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हल्का ठंडा भी हो गया है, मैंने इसको ठंडा कर लिया है, और अब इसको हम थोड़ा सा मसल के तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच यहाँ पर डाल देंगे हम देसी घी, और इसको अच्छे से हमने मसल के बढ़िया सा चिकना आटा जैसे हम लगाते हैं ना, उस तरह से हमने इसको कर लेना है। तो ये रेसिपी ना बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम बहुत ही बढ़िया कचौरियाँ बनती हैं। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत बढ़िया बनती है। और यहाँ पे हमारा ये आटा भी तैयार हो गया है। अब इसमें से हमने एक रोटी के साइज़ की लोई बना के तैयार करनी है, और जो आलू का मसाला हमने बनाया था वो भी देखिए एकदम ठंडा हो गया। तो इसकी भी हम छोटी सी एक बॉल बना के तैयार करेंगे।
तो ये देखिए ये बन गया है। और अब इस तरह से हमने जो आटा बनाया था, लोई बनाई थी, उसको इस तरह से हथेली पे फैला देंगे और अंदर में आलू वाले जो बॉल बना के रखी है उसको डाल के इसको अच्छे से कवर कर देंगे। बढ़िया से इसको इस तरह से रोल कर देंगे। तो ये देखिए एक कचौरी बन गई है, इसको हम रख देंगे। बाकी की भी इसी तरीके से हमने बना के तैयार कर लेनी है। तो है ना एकदम मज़ेदार सी रेसिपी, ना कोई बेलने का झंझट है और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसको सेकने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डाल दिया है तेल। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है, आप चाहे तो नॉनस्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं या फिर पैन में भी आप इसको सेक सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और यहाँ पे एक पीस मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हमने क्या करना है, जब हम इसको पकाएंगे ना तो इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये हल्का सा पक नहीं जाए। दोनों तरफ से इसको छोड़ेंगे नहीं, अगर इसको हम छोड़ देंगे कढ़ाई में चलाएँगे नहीं, एक जगह छोड़ देंगे तो ये नीचे से चिपक जाएगा। इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए लगातार इस तरह से घुमाते रहेंगे। तो बस ये एक बार ये हल्का सा पक जाएगा तो फिर इसको आप मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका सकते हैं, लेकिन डालते ही इसको छोड़ना नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा पका लिया। अब इसको मैं इसको मीडियम आँच पर मैं इसको पका लूँगी बढ़िया से, अच्छे से ये अंदर तक पक जाए। तो ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है, इसको अब निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के भी बना के तैयार करेंगे। तो बस छोड़ना नहीं है, स्टार्टिंग में इसको 2-3 मिनट के लिए दोनों तरफ से घुमा घुमा के अच्छे से सेक लेना है। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से पकाना है जब तक ये अंदर तक अच्छे से पक नहीं जाता है। तो इसको भी देखिए अच्छे से मैंने घुमा घुमा के अच्छे से पका दिया है, तो ये नीचे चिपक नहीं रहा है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान और ये बहुत ही कम तेल में भी बन जाता है। इतने तेल में हमारी सारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया चावल के आटे की कचौड़ियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। आप इसे झटपट से बना सकते हैं, आप इसे टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर नाश्ते में खा सकते हैं। तो आप इसे बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत लेगा और रेसिपी को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।